बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मद्य निषेध सिपाही के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी वो पूरी बात आपको हम बताते हैं। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से ताजा और अच्छी अच्छी खबर के लिए आपके आई न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें एवं हमारे फेसबुक पेज के आई न्यूज लाइव को फॉलो जरूर करें। अब आप बताते हैं आपको कि मद्य निषेध सिपाही के कितने पदों के लिए बिहार सरकार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने आवेदन आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें 689 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 14 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। नियुक्ति संबंधी विस्तृत विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट https://www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ है, जिसमें भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी 2022 तक इंटर प्लस टू मौलवी प्रमाण पत्र अथवा संस्कृत शिक्षा बोर्ड से शास्त्री अंग्रेजी सहित व आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र या राज्य सरकार से की मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता प्राप्त किए हो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 25 वर्ष तक उम्र का निर्धारण किया गया है। बीसी व ईबीसी के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष, इस कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम 28 वर्ष, एससी एसटी कोटि के पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम 30 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अब आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। बहाली की लिखित परीक्षा में 10वीं या समकक्ष स्तर के प्रश्न होंगे। न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जाएंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में और 18 वर्ष न्यूनतम व अधिकतम 25 वर्ष उम्र सीमा होगी सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए। अब जानिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रथम चरण कैसे होगी। लिखित परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 10वीं या समकक्ष स्तर के प्रश्न होंगे। इसमें 100 अंकों के लिए परीक्षा होगी। इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित रहेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरे चरण में शारीरिक योग्यता सह दक्षता परीक्षा होगी। इसके बाद मेघा सूची तैयार कर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की जाएगी। अब शारीरिक मापदंड क्या तय किया गया है। पुरुषों के लिए सामान्य व पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 व फुलाकर 86 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए बगैर फुलाए 81 व फुलाकर 86 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 79 व फुलाकर 84 सेंटीमीटर। आपको बता दें कि बिहार सरकार बिहार में अवैध रूप से जारी शराब के धंधेबाजों के खिलाफ अभियान चला रही है। साथ ही जो भी शराब के तस्कर हैं उनको पकड़ने के लिए विभाग को हमेशा एक्टिव मोड में रखा जाता है। तो निश्चित तौर से ये जो मद्य निषेध सिपाही के 689 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, उसके लिए जो भी पात्र हो वो निश्चित रूप से आवेदन का डेट स्टार्ट है, आवेदन आप करें और 14 दिसंबर तक आवेदन का ये डेट रहेगा। दूसरी प्रक्रिया में आपको फिर साक्षात्कार शारीरिक योग्यता से गुजरना पड़ेगा।
और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से केआर न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। ऐसे ऐसे ताजा तरीन खबरों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे, और अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको शेयर भी जरूर करें। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।